हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव मगर आज कार आई है उदगीर महाराष्ट्र से। अपने जो भी वीडियो देख के मतलब कस्टमर ने बहुत एक अच्छा उनको लगा कि स्टेयरिंग पियानो कंट्रोल फिर जमाइका हो गया, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये कार में फर्स्ट तो हम बताएंगे आपको कि डीआरएल सेंटर, ये डीआरएल हमने फिटिंग किया है। बाद में ग्रिल को आप चेंजेस भी कर सकते हैं और इसके अंदर फिर पियानो का भी आपको ऑप्शन है। अगर कोई कोई कस्टमर का नई ग्रिल चेंज करना है तो एक पियानो भी कर सकते हैं। फिर बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 360 का फिटिंग हो चुका है। ब्लोपंग का ही कैमरे रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये ब्लोपंग का 360 हमने फिटिंग कर दिया। और हेलोजन में आप देख सकते हैं ये आपका प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में 140 वाट का एलईडी, और ये आपका लो बीम हो गया और ये आपका हाई बीम हो गया। लो बीम और हाई बीम में हमने दोनों में S7 का प्रिकॉल का 140 वाट फिटिंग कर दिया। ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हुंडई की टेल लाइट भी अवेलेबल है। ये SX मॉडल का आता है, ये में आपको ये इंडिकेटर नहीं आता, और ये भी आपका हुंडई का ही रहने वाला है। और इनके MRP भी आप देख सकते हैं 8,499 में आ जाता है। साइड प्रोफाइल से हम बात करेंगे। साइड प्रोफाइल में आज अलॉय व्हील फिटिंग नहीं हुआ है, आज कैलिबर ही पेंट किया है हमने। अलॉय व्हील कस्टमर को मतलब शोरूम में डालना पड़ा था क्योंकि उनका कार का वेटिंग भी बहुत था, तो उनको वो चीज लगवानी पड़ी वहां से, और उनके पास इनका लोगो नहीं है अवेलेबल। 65,000 में उन्होंने अलॉय व्हील और जेके का टायर फिटिंग किया। और यही चीज अपने पास 48,000 में मैं आपको मतलब बोलता हूं विद कैप। साइड प्रोफाइल में बात करते हैं, आपका तो ऑटो फोल्डिंग मिरर आ गया, बाद में आप नीचे देख सकते हैं 360, और ये आपका पैडल लाइट, ये भी प्रॉपरली वर्किंग। बाद में तो आपका ये डोर वाइजर हो गया, ये हुंडई का जेन्युइन डोर वाइजर भी आ गया आपका, हुंडई का जेन्युइन डोर वाइजर। ये आपकी लोअर गार्नेस, ये भी प्रॉपरली हुंडई जेन्युइन की रहने। इसके बाद आप साइड में डोर मोल्डिंग भी बिठा सकते हैं, ये भी आप फिटिंग वगैरह देख सकते हैं प्रॉपरली। आज क्रेटा में हमने, मैं आपको रियर में दिखाऊंगा कि एक रिफ्लेक्टर भी फिटिंग किया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। प्रॉपर रिफ्लेक्टर और ये पूरा मैट्रिक्स के साथ ऊपर आप देख सकते हैं शार्क फिन 19 अभी प्रॉपरली फिटिंग हो चुका है। फिटिंग और फिनिशिंग आप एक बार चेक कर सकते हैं। अपने रूफ रेल हो गए, फिर अपने बूट मैट में पार्सल ट्रे भी आपका आ गया, आपका पार्सल ट्रे भी प्रॉपरली फिटिंग है। और इनके बाद ये हुंडई का जेन्युइन रहने वाला है, इसके ऊपर पार्ट नंबर भी आपका लिखा हुआ है। कस्टमर का बहुत डिमांड है कि पैडल लाइट मतलब एक डिक्की का लाइट होना चाहिए, तो बूट लाइट भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली वर्किंग के साथ ये आपका बूट लाइट होगा। मैं आपको अभी इंटीरियर में क्या क्या फिटिंग हुआ है वो एक बार दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं आपका ई का ये डोर आता है प्रॉपरली, इस पे कोई बोस की बेजिंग नहीं है, और यहाँ पे आपका सॉफ्ट टच भी नहीं रहने वाला, और यहाँ पे कोई होल वगैरह कुछ भी नहीं। मैं आपको ZX ऑप्शनल के ही डोर बिठाऊंगा आपके कार में, मतलब SSO उनके नहीं बिठाऊंगा। मैं आपको ZX के डोर दिखाता हूँ, आप एक बार देख। इसमें फर्स्ट तो मैं आपको दिखाऊंगा ये बॉस का बैजिंग आता है, ये आपका बॉस का बैजिंग आ गया, ये आपका सॉफ्ट टच भी हो गया, ये हुंडई का ही आता है, और ये बाद में आपका प्रॉपरली वर्किंग राइट और लेफ्ट। अगर आपको डोर चेंज करना है ना, तो आप बॉस वाले यही डोर चेंज करना। नॉर्मली डोर आते हैं
वो कभी भी मत चेंज करना, आप ये बात मेरे दिमाग में। इसके बाद हम दिखाएंगे ये ट्विटर सच प्रॉपरली फिटिंग होगा, ट्विटर सच भी हो गया, ये आपके इनर हैंडल, ये भी हमने रिप्लेस कर दिए। बाद में ये कार के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ग्लॉसी ग्लॉसी में आते हैं, आप फिटिंग और फिनिशिंग एक बार देख सकते हैं, ग्लॉसी में एकदम आपका एक क्रूज कंट्रोल भी होगा और आपका एक ऑडियो कंट्रोल भी होगा। फिर बात करेंगे इंटीरियर में, जो अपने टॉप लेदर में ZX SX में सॉरी सीट कोर आते हैं, आप एक बार उनकी भी फिटिंग एक बार देख सकते हैं, फिटिंग और फिनिशिंग। ये पूरा आपका परफो आ गया बॉक्स में, ये आपका आइस ग्रे और ये आपका डार्क ग्रे के साथ और विथ ऑरेंज पाइपिंग, ये प्रॉपरली आ गया। फिटिंग और फिनिशिंग आप एक बार देख लीजिए, आपके स्टेयरिंग कंट्रोल भी, स्टेयरिंग का भी हो गया, फ्रंट आर्मरेस्ट भी और बैक का भी। जो मेरे साथ थी वो मेरी खास थी, वो मेरी शूटर, मेरा नशा, मेरी घास थी वो, मनाली मनाली कव्वाली कव्वाली, वो दिखती माधुरी जब पहने वो साड़ी, मेरे मुंह में है काली वो मीठी जबानी, वो गहरा समंदर में बहता हुआ पानी, मैं शायर मफाली तेरा पिछला वो चाली, ये असल ना रानी हजरा तुम कर देख और से देख, तू ही कोई और नहीं देख, हर रास्ता है अपना मैं रोड से देख, बसताएगी बसताएगी तू छोड़ कर देख, ये गाना नहीं गाना ये आशिक दीवाना, तू चले जमाना तो चलने दे, शायद समझेगी वो मेरे मन। दोस्तों ये जो आप अभी सुन रहे थे ना, ये जो 4 वोल्ट है ना, आप ये देखिए पहले, ये अपना ब्लोपंक का क्रेटा 2024 स्पेसिफिक जमाइका 990, ये 464 है, आप एक बार देख सकते हैं, ये 4 वोल्ट प्री आउट। आपको कोई गुमराह नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आप एक बार ध्यान में देखिए, इनका भी MRP 49 मतलब एक 50,000 रुपए मान के चलिए। अगर ये मोंटेबे या सेंटा रोजा ये कोई भी प्रोडक्ट है, अगर इसके अंदर कुछ अलग रहता तो आप एक बार ध्यान में रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पिछली बार भी बोल रहा था, इनकी MRP बढ़ेगी ही। ब्लूपंग ने कौन सी भी प्रोडक्ट बनाई है, आप की लार्गो से देख लेना, आप कौन से भी देख लो, कभी भी सेम प्राइस वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपको गुमराह नहीं करना है। बॉक्स के ऊपर खाली 4 वोल्ट लिखा है, कोई के ऊपर हाई वोल्ट लिखा है, पर अंदर एक ही प्रोडक्ट है, वही 464 और ये 4 वोल्ट प्री आउट। ये 4 वोल्ट प्री आउट मतलब ये हाई वोल्ट मिनी एम्पलीफायर इसके आप बोल सकते हैं। इसके अंदर एक ही है कि ये आपको स्पीकर को पिक करेगा पावर को, ये आप बात ध्यान में रखिए। सेकंड, हमने ब्लूपंक की ही 360 ये कार के अंदर फिटिंग किए हैं। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट से बोलूंगा कि मोरल ये हुंडई का ही डायरेक्ट फिट वाला आता है, प्लग एंड प्ले। दोस्तों इसका इफेक्ट ही कुछ अलग है, ये स्पीकर ही कुछ अलग लेवल के बस है, आपने अभी सुना है, पर ये फिल करने के लिए तो आपको यहाँ तो आना ही पड़ेगा। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, स्टेरियो के अंदर आप एक बार देख लेना, थर्ड पार्टी ब्लूपंक में नहीं चलता है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आपका सर्टिफाइड है, ये अलग से ही चलेगा। ये देखिए ये आपका एप्पल कारप्ले, ओके 60, ये मतलब क्लैरिटी वगैरह एकदम जबरदस्त है, ब्लूपंक का स्टेरियो है तो ब्लूपंक का ही 360 लगाइए, आप एक बार देख सकते हैं वीडियो, ये 360 की क्लैरिटी देख सकते हैं, पूरा वाइल्ड एंगल के साथ एकदम प्रॉपर फिटिंग। और ये आप देख सकते हैं, अभी आपका राइट इंडिकेटर दे दिया, आपका राइट का आ गया, आपका लेफ्ट का दे दिया, तो आपका लेफ्ट का देख सकते हैं प्रॉपरली वर्क। दोस्तों मैं आपको एक आज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये डोर, आपको ये पियानो में अगर स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल अगर चाहिए, तो ये प्लीज आप प्री बुकिंग करके ही आना, क्योंकि थोड़ा लिमिटेड स्टॉक है, इनके लिए प्री बुकिंग करके ही आना पड़ेगा। बाद में मैं आपको बता सकता हूँ, ये आपके सनग्लास होल्डर भी इसके अंदर फिटिंग कर चुका हूँ प्रॉपरली वर्क करके साथ। कार तो एकदम बढ़िया बन गई है, पर हमारे पास भी आना वर्थ है या नहीं है, ये भी अपन कस्टमर से ही एक बार देख लेंगे। सर प्लीज।
सर से हमारा 1 वीक से चल रहा था, प्लेयर के बारे में या कोई भी जेन्यून वगैरह कुछ भी रहे, सर के अंदर मतलब जो कार के अंदर हमने 464 ग्लोपंग का ही प्लेयर बिठाया है, और वो भी 4 वोल्ट के साथ, ये जो प्री आउट है आपका, पर उसका नाम नहीं लेंगे कि क्या बिठाया है, जमाई का ही फिटिंग हुआ है, मतलब सेंटा रोजा ये अपने मोन्टेवे और ये जमाई का, बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैं तो बोलूंगा 464 जो भी रहे वही प्लेयर सबसे सही है, प्री ओल्ड जिसके अंदर भी रहे, क्योंकि तीनों की भी एमआरपी एक ही है। एक बार सर से ही बात करेंगे कि क्या हुआ है। जो प्लेयर बिठाया है जमाई का 9A एकदम एक्सीलेंट है और एकदम हाई क्वालिटी है सर। जो जमाई का बिठाया है सर ने 4x64 एकदम अच्छा है और एक्सीलेंट, एकदम अच्छा क्वालिटी का है। और इसके अंदर क्वालिटी कैसी है? एकदम एक्सीलेंट है, एकदम एक्सीलेंट है। और आपको काम कैसे लगा? काम एकदम एक्सीलेंट है, मैं बोलूंगा कि हर कस्टमर इधर आ जाए। आज हमने सुबह 11 बजे यहाँ आ गए और हम सुबह से लेकर शाम तक अब तक पूरे वक्त देखे, सभी क्वालिटी वर्क है, सभी कन्फ्यूजन दूर हो गया है, और जो वर्क हुआ है एकदम अच्छा एक्सीलेंट हुआ है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी कुछ माइनर इश्यूज थे या कोई भी माइनर प्रॉब्लम था, इंक्वायरी था, एकदम सेटिस्फाई हुआ है हर चीज में। मैं तो अपना वही ब्लॉक जो प्लेयर है जो जमैका अभी जमैका में, उसके साथ बोरल का स्पीकर एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन है और साउंड भी एकदम एक्सलेंट क्वालिटी का है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज सर उदगीर से मतलब एक 700 किलोमीटर, हाँ 500 किलोमीटर अगर आए, सेम डे कार सर ने लाई है और सेम डे सर लेके जा रहे। आपको भी अगर ये काम करना है तो आप विजिट कर सकते हैं वैभव कार एक्सेसरीज खराड़ी पुणे।